यार इसमें तो कोई शक है नहीं कि आप भी चाहते हो कि भाई साहब आपकी फेवरेट टीम का जो खिलाड़ी है ना वो ताबड़तोड़ रन बनाए और उन रन बनानों की सूची में भैया सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे और ऑरेंज कैप को अपनाए। अब उससे होगा क्या, सिर्फ बात इंडिविजुअल प्लेयर की नहीं है भैया, उससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑरेंज कैप की ही बदौलत राजस्थान रॉयल्स टीम जॉफ द बॉस बटलर साल 2022 खेला था आईपीएल फाइनल। तो भैया जब आप अच्छा करेंगे ना तो आपकी टीम भी अल्टीमेटली अच्छा ही करेगी। तो ऐसे में हर एक टीम से कौन से वो पॉसिबल कैंडिडेट हैं जो बन सकते हैं आईपीएल 2023 के लिए ऑरेंज कैप कैंडिडेट्स, जो ऑरेंज कैप की रेस में थोड़ी सी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मैं करने वाला हूं कुछ बोल्ड प्रिडिक्शन सभी टीमों से, 10 खिलाड़ी यानी कि 10 टीमों से 10 खिलाड़ी यहां पर पिक करूंगा। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ब्रांड न्यू वीडियो है। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एनालिसिस लगातार आईपीएल 2023 पर आप लोगों तक पहुंचते रहे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम। आखिर कौन हो सकता है इस टीम से ऑरेंज कैप का दावेदार? तो भैया वैसे तो बड़े सारे नाम नजर आते हैं जहां पर आप स्टार्ट तो कप्तान फाफ डू प्लेसिस से ही कर सकते हो, पर भैया जहां पर मैं जाऊंगा ना वो है हमारे थोड़े से पूर्व कप्तान। मैं बात कर रहा हूं विराट द रन मशीन कोहली, विराट द गन मशीन कोहली की। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पहली बात तो हाल फिलहाल में ओपन कर रहे हैं और अगर ओपन करेंगे 2023 में तो ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का उनको मौका मिल रहा है। एंड सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज बैक इन फॉर्म, स्पेशली टी20s में भैया शतक जड़ के आ रहे हैं तो अलग ही आसमान पर उनका कॉन्फिडेंस होगा। और ऐसे में आईपीएल 2023 में आपको विराट का रियल वाला विराट रूप देखने को मिल सकता है, वो 2016-2017 के आईपीएल वाले विराट द रन मशीन कोहली, द किंग गन मशीन कोहली देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो ऑरेंज कैप की रेस में वो आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा आप लॉजिकली भी सोचिए, देखिए अब मैचेस ना चिन्नास्वामी में होंगे, छोटू सा मैदान, विराट कोहली ओपन करेंगे, पावर प्ले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, चौके छक्कों की बरसात होगी, रनों का अंबार लगेगा। थोड़ा सा लॉजिकल भी चलिए तो उस पहलू से भी आपको नजर आता है कि अगर विराट कोहली की फॉर्म क्लिक करती है तो भैया होम गेम्स में ही वो इतने रन बना देंगे ना, इतने रन बना देंगे कि कहीं ना कहीं टैली में काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे में विराट कोहली डेफिनेटली फ्रॉम आरसीबी नंबर वन कैंडिडेट। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर दो यानी कि केकेआर टीम से, तो मैं जाऊंगा दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर उनके कप्तान के साथ। अब देखिए वैसे तो बड़े सारे नाम हैं यहाँ पर, ओपन कौन करेगा थोड़ा सा उसको लेकर सवाल या निशान भी रहते हैं, तो फिर आप ज़्यादा श्योरिटी वहाँ पर रख नहीं पाते हो। पर कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर मैं बहुत रिलायबल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर को देखिए अल्टीमेटली ना केकेआर टीम के लिए परफॉर्म करना भी पड़ेगा अगर ये टीम अच्छा करना चाहती है। टॉप ऑर्डर में उतना अच्छा इनकी टीम में फायर हुआ नहीं था, आंद्रे रसल ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई थी साल 2022 में, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि केकेआर टीम के लिए यहाँ पर श्रेयस अय्यर डिलीवर करें। और मुझे उम्मीद है कि टी20s में वो डिलीवर करेंगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे। एंड ईडन गार्डन पे मैचेस होंगे तो वहां पर थोड़े से अच्छे ग्राउंड्स, अच्छी पिचेस मिलती हैं टू स्कोर सम रन्स, और उस चीज का एडवांटेज यहां पर श्रेयस अय्यर को मिल सकता है। उनके आंकड़े भी वहां पर फैंटास्टिक हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि श्रेयस अय्यर का ये काफी अच्छा आईपीएल जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो यहां से मैं पिक कर रहा हूं युवा गन को। जी हां, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा का ये बहुत अच्छा साल होगा। साल 2022 भी अच्छा था हैदराबाद के लिए, अच्छे रन उन्होंने बनाए थे, इनफैक्ट ऑरेंज कैप की टैली में हैदराबाद टीम की तरफ से मेरे ख्याल से टॉप पर थे। और साल 2023 में भी आप उनसे और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2022 में देखिए 426 रन उन्होंने बनाए थे 30 की औसत और 133 के स्ट्राइक रेट से, तो उससे अच्छा ही आप एक्सपेक्ट करोगे, एज एन ओपनर ही उतरेंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में टीम उनको ग्रूम कर रही है, और अगर वो ग्रूमिंग अच्छे से निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा कुड बी द एक्स फैक्टर फॉर दिस टीम, एंड डेफिनेटली आई एम बैकिंग हिम। मुझे लगता है वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, पावर प्ले को अच्छे से कैपिटलाइज करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स टीम से तो भैया इनके ओपनर्स यानी कि पृथ्वी शॉ, डेविड डायनामाइट वार्नर, इन्हीं पर निगाहें रहती है। और मैं तो साफ तौर पर कहूंगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होने भी वाला है, बट आई एम गोइंग विथ यहां पर डेविड वार्नर, बिकॉज डेविड इज डायनामाइट। और अगर उनको लीडरशिप मिल गई तो डेफिनेटली ही हैज टू परफॉर्म, क्योंकि फिर आपके पास कोई विकल्प भी यहां पर नहीं बचता है, आपको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो और ऑरेंज कैप की रेस में नहीं हो, इसका मतलब है कि दिल्ली थोड़ी सी मझधार में फंसी है, दिल्ली थोड़ी सी दूर है, तो कहीं ना कहीं डेविड डायनामाइट वार्नर को परफॉर्म करना पड़ेगा। साल 2022 में किया था लगभग 50 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, फेनोमिनल परफॉर्मेंस थी, उसको कंटिन्यू करना है बस 2023 में, यही इस चीज को ध्यान में रखना है इस खिलाड़ी को। और उसके बाद जब बात होती है पंजाब किंग्स टीम की, तो पंजाब किंग्स टीम के लिए ना मुझे पता नहीं क्यों ये फील आ रहा है कि जॉनी बेस्टो का साल बहुत अच्छा होगा अगर उनकी इंजरी से वापसी हो गई, लेकिन उनका इंजरी जो कंसर्न है वो थोड़ा सा यहां पर जो है थोड़ा सा मतलब मामला इधर उधर डामाडोल करता है। लियाम लिविंगस्टन पर भी मुझे थोड़ा सा भरोसा नजर आ रहा है, बट ओवरऑल दोस्तों वन प्लेयर विच इज क्वाइट रिलायबल एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू ओपन एंड ही इज द स्किपर। यस दोस्तों मैं बात कर रहा हूं
यहाँ पर शिखर बेफिकर धवन की, तो उन पर आप थोड़ा सा सेफ साइड ले सकते हो कि अल्टीमेटली कोई करे ना ना करे, किसी की परफॉर्मेंस आए या ना आए, बट इनकी तो आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन अब पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए, 38 की एवरेज, 122 के स्ट्राइक रेट से 400 के ऊपर, 450 के ऊपर रन बनाए थे। इस बार आप उम्मीद करिए कि 550-600 के आसपास ये रन बनाए, क्योंकि कप्तान भी हैं तो दारो मदार थोड़ा सा इन पर ज्यादा ही रहेगा। और इसके बाद दोस्तों बात हो यहाँ पर MI यानी कि मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो भैया MI टीम की तरफ से वैसे तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हिटमैन शर्मा भी फायर करें, पर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा रन उनके बल्ले से IPL में स्पेशली निकलते हैं नहीं। हाँ, अब मुकाबले वानखेड़े में होंगे तो उस चीज का उनको एडवांटेज मिल सकता है, पर वानखेड़े में तो वैसे भी मैचेस हो ही रहे थे कोविड काल में भी, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में तो बहुत सारे मैचेस हो रहे थे। तो ओवरऑल दोस्तों बातचीत यहां पर जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ईशान किशन की फिर T20s में उतनी अच्छी हाल फिलहाल की फॉर्म नहीं है, सो आई एम गोइंग विद सूर्य कुमार यादव, मैं उनके साथ जा रहा हूं। अब सूर्य कुमार यादव के साथ दिक्कत ये फंस जाती है ना कि ये टीम उन्हें बहुत ज्यादा खिलाती नहीं है, मौके ही नहीं मिलते उन्हें बल्लेबाजी करने के। अगर उन्हें मौके मिले प्रमोट होना तो भैया डेफिनेटली वो ऑरेंज कैप की रेस में बहुत आगे रहेंगे और मुझे लगता है उठा जाएंगे। अगर आप उनको ओपन करा दीजिए ना, नंबर 3 पर खिला दीजिए, तो ऑरेंज कैप वो लेकर भी जाएंगे, क्योंकि आप उस खिलाड़ी को जानते हो, उसकी काबिलियत जानते हो और कंसिस्टेंटली लॉन्ग स्कोर करते हैं। भैया वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि आएंगे क्विक फायर करेंगे 20-25 बना के आउट हो जाते हैं, नहीं नहीं, वो रन तगड़े बनाते हैं, रन ज्यादा बनाते हैं, दैट्स द पावर ऑफ सूर्य कुमार यादव। तो डेफिनेटली आई एम बैकिंग हिम टू कम वेरी गुड इन दिस IPL, और अगर उन्हें मौका मिला तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे भी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में। तो यहां पर तो एक ऑरेंज कैप की रेस का हमेशा का सितारा बैठा हुआ है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमाल लाजवाब राहुल की। आपको पता है वैसे क्विंटन डीकॉक भी है, वो भी बहुत अच्छा करते हैं, बट आई एम बैकिंग KL राहुल की, भैया वो अच्छा करेंगे। 2022 में आई थिंक नंबर 2 रैंक पर थे, वो जॉस बटलर के पीछे ही तो थे शायद, तो भैया वही बात है ना कि तो हमेशा ऐसी रैंक पर रहते हैं। तो इस बार भी आप इनको डेफिनेटली नंबर 1 कैंडिडेट मानिए। 616 रन थे, 51 की एवरेज थी और 135 का स्ट्राइक रेट था साल 2022 में, साल 2023 में बेहतर को बेहतरीन ही बनाना चाहेंगे और उसमें अहम किरदार फिलहाल निभाया जाएगा कि लखनऊ की पिच किस तरीके से होती है, क्योंकि पिच को फिर से मरम्मत करके अच्छी बनाई जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। तो भैया गुजरात का तो एक नया सितारा चमक ही रहा है ना, शुभमन गिल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक हिम बिकॉज ही हैज बीन इन फेनोमिनल फॉर्म और T20s में शतक भी जड़ कर आ रहे हैं। और मत भूलिए कि अहमदाबाद इनका होम ग्राउंड है, बड़ी सपाट पिच है, वहां पर रनों की बरसात होगी। तो शुभमन गिल वो हो सकता है कि ऑरेंज कैप उठाते ही आपको नजर आए, आई मीन सिर्फ रेस में नहीं रहे, क्या पता जीत भी जाए अगर ये फॉर्म वो क्लिक कर जाते हैं IPL 2023 में भी। तो डेफिनेटली ही इज द नंबर 1 कैंडिडेट फ्रॉम गुजरात टाइटंस टीम। और उसके बाद हम बात करें यहां पर RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में। तो RR भैया मार जॉस द बॉस बटलर अब पिछले साल भी चले थे और सिर्फ पिछले साल की परफॉर्मेंस जज नहीं कर रहा हूं, हाल फिलहाल में SA20 में भी ये हाईएस्ट रन गेटर ही है। उनकी फॉर्म भैया लगातार कैरी होकर आ रही है, मोमेंटम इन्होंने लगातार बना रखा है, तो डेफिनेटली जॉस द बॉस ये कार्य फिर से कर सकते हैं साल के IPL 2023 में भी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के बारे में। तो यहां से मेरे लिए पिक करना काफी मुश्किल था, क्योंकि गायकवाड़ साहब ने वैसे तो अच्छा किया है, लेकिन हाल फिलहाल में उनके इंजरी कंसर्न, फिर T20s में खेल नहीं रहे, तो थोड़ा सा मुझे डाउट आया। देन आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट द डेवॉन कॉनवे, मतलब भैया आप उनको कैसे मिस कर सकते हो, क्योंकि डेवॉन कॉनवे ने इंडियन कंडीशन में बहुत बेहतर किया और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की अगेंस्ट द स्पिनर्स, उन्होंने बताया कि मैं डिफिकल्ट कंडीशन में भी खेल सकता हूं, मैं चुपॉक में भी रन बना सकता हूं और मुझे लगता है रन बनाएंगे। तो नंबर 3 पर अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो वो भी नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं, बट Still I am feeling कि if he is not playing at number 3, I think Devon Conway has a very great chance कि भैया IPL 2023 में वो ऑरेंज कैप की रेस में CSK की तरफ से दावेदारी तो जरूर पेश करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये रहे सभी 10 टीमों से वो 10 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि ऑरेंज कैप की रेस में थोड़ा सा दाएं बाएं घूमेंगे और इन्हीं में से कोई एक बाजी मारता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट टीम से वो कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, कौन सा वो खिलाड़ी अल्टीमेटली होगा, एक खिलाड़ी पिक करिए जो ऑरेंज कैप उठाता हुआ नजर आएगा, लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहे।